मैंने आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथ को पकड़ा है और उनका जो प्यार और स्नेह मुझे मिला वो मेरी ज़िंदगी का अद्भुत है। और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि यहाँ की निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि असत्य बोलने के अलावा सरकार के पास कुछ है नहीं। ये वातावरण बनाना कि ठोंक दो, देख लूँगा, मार दो, ठिकाने लगा दो, यह लोकतांत्रिक भाषा नहीं है, इससे मिल गई। और तो और आपने देखा हमारे जो रसना के विधायक हैं इनको उन्होंने काली सूची में डाला, और काली सूची में डालने के बाद कुछ डील जब हो गई तो उनको 3000 करोड़ का काम दिए, और अभी उन्होंने 10 दिन पहले 2800 करोड़ का काम बनारस में घाटों का दिया, और उनके सारे आपराधिक मुकदमे, वो आपराधिक नहीं आंदोलन, जिंदगी में 144 जनता के लिए नहीं तोड़े हैं, वो आपराधिक मुकदमे जो 409, 420, 467, 468 हरिनारायण राजभर जी जो यहीं के सांसद थे जहां मैं खड़ा हूं, इनका फर्जी दस्तखत करके इनके बेटे का 58 लाख रुपया निकाल लिए, उनके कंप्लेन पर CBCID जांच हुई, और CBCID जांच के बाद CBCID ने चार्जशीट लगाया, वारंट घूम रहा था, एक अपराधी विधानसभा में बैठा था जोगी जी के सामने, क्या गलबहियाँ थी उसको प्रमाण मिल गया जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कि बसपा का MLA सपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे और उन मतदाताओं को धोखा दिया जो दलित और माइनॉरिटी के लोग उनको वोट दिए थे, उनके साथ गद्दारी किया और जोगी से हाथ मिला लिए हैं। क्या रिश्ता है, क्या डील है, हम जानना चाहते हैं और देश जानना चाहता है कि हर्षद मेहता से और माल्या टाइप व्यक्तित्व वालों से क्या डील है। यह सारे विषय झकझोर कर रख दिए और अखिलेश यादव जी के पक्ष में पूरा नौजवान लामबंद होता जा रहा है और एक परिवर्तन का तूफान चल रहा है। यह तूफान यहाँ से चलकर गाजियाबाद जाकर है। मेरी फाइल ढोते थे, इसे ज़्यादा क्या कहूँ, मेरा कपड़ा प्रेस करा कर ले आते थे, ये नहीं कहना चाहिए मुझे, उनके अवकाश हो गए। जन विश्वास यात्रा नहीं है, वो मर विश्वास यात्रा है, वो समापन की यात्रा है। वो कितने छटपटाएं अदानी के पैसे पर और अंबानी के धन पर, वो धन का मिसयूज है, उसको लूटना भी है, इसलिए वो छटपटाहट है, इससे कुछ नहीं होने के, वो जनता समझ चुकी है 5 साल में, अब क्या समझाओगे, कोई एक दिन का विषय। अखिलेश यादव जी की विजय रथ यात्रा विजय का प्रतीक है, किसान